नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के बारे में तो चुनाव के नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग अब रिजल्ट डिक्लेयर करना शुरू कर चुका है। करीब उसने 100 सीटों के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। 100 सीटों पर जो प्रत्याशी कौन विजेता है कौन नहीं है ये सामने आ चुका है। अब ऐसे में जो विजेता है उनमें से अगर एक सीट के बारे में बात की जाए, उत्तर प्रदेश की जो सीट है काफ़ी लोकप्रिय सीट है, जिस सीट का नाम है उन्नाव। अगर उन्नाव की सीट के बारे में बात करें कि कौन सी पार्टी ने यहाँ पे जीत दर्ज की है, कौन से कैंडिडेट ने यहाँ जीत दर्ज की है और कितने मार्जिन से यहाँ पे जीत दर्ज की है और निचले पायदान पे यानी कि दूसरे नंबर पे कौन सा कैंडिडेट रहा है, तो इसके बारे में बात करते। चलिए आपको सबसे पहले बताते कि उन्नाव सीट के बारे में यहाँ पे स्वामी साक्षी जी महाराज विजेता रहे हैं। जी हाँ, स्वामी साक्षी जी महाराज काफ़ी लोकप्रिय चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के। तो बीजेपी ने यहाँ पे जीत दर्ज की। अगर बात की जाए कि कितने वोटों से जीत मिली है तो वो वोट हैं 4,09,56 वोट। जी हाँ, काफ़ी बड़े मार्जिन से स्वामी साक्षी जी महाराज ने यहाँ पे सीट दर्ज की है यानी कि बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज किया। वैसे में बात की जाए कि दूसरे पायदान पर कौन सा नेता था तो दूसरे पायदान में महागठबंधन के नेता यानी समाजवादी पार्टी से अरुण शंकर शुक्ला थे यहाँ पे, जो कि दूसरे पायदान पर नजर आए थे। वहीं अगर एक बार 2014 के जो रिपोर्ट्स कार्ड हैं, रिपोर्ट कार्ड्स पर अगर नजर डाली जाए 2014 के रिपोर्ट कार्ड पर कि 2014 का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, ये सीट किसके पाले में थी, इस सीट पर क्या निर्णय आया था, क्या फैसला आया था जनता का, तो 2014 में भी साक्षी महाराज ही यहाँ से जीत कर सामने आए थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। अगर वोटों के बारे में बात किया तो 3,10,173 वोटों से उन्होंने यहाँ पे जीत दर्ज की थी और आप देख सकते हैं कि करीब 1,00,000 अधिक वोटों से 2019 में उन्होंने जीत दर्ज की। आप जान इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि साक्षी महाराज का जो चेहरा है कितना बड़ा चेहरा है कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पे 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। जी हाँ, चुनावी नतीजों को लेकर जो सीट्स हैं उनकी अपडेट्स को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। जो भी अपडेट आपको चाहिए आप बने रहें हमारे चैनल इन खबर पर, हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।